press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2018 का आगाज हो चुका है। यह है भारत का 14वां ऑटो एक्सपो है, जिसमें करीब 28 बड़ी कंपनियां अपने कार के मॉडल्स को लॉन्च कर रही हैं। टाटा कंपनी ने भी इस एक्सपो में अपनी नई एसयूवी को पेश किया है। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी मौजूद रहे। टाटा मोटर्स ने हाल ही SUH5X का टीजर जारी किया था। इसके अलावा कमर्शियल सेगमेंट में कंपनी ने कॉम्पैक्ट ट्रक टाटा इंट्रा को पेश किया है। इस साल ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स की थीम स्मार्ट मोबिलिटी और स्मार्ट सिटीज रहेंगी। उधर ऑटो एक्सपो में TVS मोटर कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट से पर्दा हटा दिया है। ऑटो एक्सपो के दौरान TVS की क्रूजर बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफी प्रतिक्रिया मिली। कंपनी के मुताबिक TVS का क्रियान इलेक्ट्रिक स्कूटर वातावरण के लिहाज से काफी बेहतर है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट SUV विटारा ब्रेजा की कामयाबी के बाद अब मारुति सुजुकी ने इस सेगमेंट में अपनी फ्यूचर एस कॉम्पैक्ट SUV को ऑटो एक्सपो में पेश कर दिया है। वहीं होंडा ने नई अमेज CRV और सिविक का फेस लिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस एक्सपो के दौरान कुछ स्मार्ट स्कूटर भी लॉन्च किए गए हैं। वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी ऑटो एक्सपो में अपनी नए फेसलिफ्ट एलिटाई 20 को लॉन्च किया है। इस ऑटो एक्सपो से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी टू व्हीलर मार्केट में अपनी एंट्री कर ली है। प्रमुख टू व्हीलर निर्माता कंपनी यामा ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बाइक यामा R15 को लॉन्च किया है। इस बाइक की कीमत 1.25 लाख रुपए से शुरू होती है। एक्सपो में सामने आए स्कूटर एपेरिलिया SR 125 में 125 cc का इंजन और 3-valve इंजन लगा हुआ है। वहीं 14 इंच के टायर हैं जो राइडर को सड़क पर बेहतर ग्रिप देंगे। इसके एक्स शोरूम कीमत 65,310 रुपए है। गौरतलब है कि यह एक्सपो ग्रेटर नोएडा में 14 फरवरी तक चलेगा। कुल मिलाकर इस एक्सपो में पेश नामी कंपनियों के वाहन दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं।